लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने नवी मनपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आज सांसद राजन विचारे ने मनपा अधिकारियों के साथ वाशी के जम्बो कोविड केयर सेंटर का दौरा किया और इन तैयारियों का जायजा लिया। सांसद ने कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों की हालत, ऑक्सीजन और आईसीयू बेड संबंधी आरोग्य सेवाओं के साथ ही उपचार इंतजामों की भी पूरी जानकारी ली। इस दौरान शिवसेना के जिला प्रमुख विट्ठल मोरे समेत कई स्थानीय नेता भी मौजूद थे। सांसद ने कहा कि नवी मनपा कोरोना से निपटने के लिए बेहतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कोविड की तीसरी लहर से बचाव के लिए की जा रही तैयारियों की सराहना की। देखिए रिपोर्ट। थाने के सांसद राजन विचारे ने आज वाशी के सिडको एग्जीबिशन सेंटर में जंबो कोविड केयर सेंटर का दौरा किया और अधिकारियों से कोरोना उपचार इंतजामों का जायजा लिया। सांसद ने यहां कोविड सेंटर में उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू बेड की स्थिति और ठीक हो रहे कोरोना मरीजों के हालात पर भी अधिकारियों से चर्चा की। सांसद राजन विचारे ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर जरूरी इंतजाम करने को कहा है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक है, इसलिए हमारी मांग के अनुरूप महानगर पालिका जंबो कोविड सेंटर में बच्चों के लिए 300 ऑक्सीजन बेड और 200 आईसीयू बेड की व्यवस्था कर रही है ताकि कोरोना से निपटा जा सके। सांसद ने सेंटर के डॉक्टरों और नर्सों का भी मनोबल बढ़ाया। आज अपन किले कित्येक दिवस बघितलं असेल की कोविडची तीसरी लाटची सुद्धा येण्याची शक्यता आहे आणि त्याला अनुसरून लहान मुलांसाठी स्पेशल या ठिकाणी हॉस्पिटल पाहिजे यासाठी माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब असतील, आमचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब असतील, यांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या डॉक्टरांशी कन्सल्ट करून कशा पद्धतीने इथले लहान मुलांचं हॉस्पिटल तयार करता येईल या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी आपण ते हॉस्पिटल उभं करतो आहे आणि जवळजवळ 500 बेडचं आपण त्याचं नियोजन केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये 200 आयसीयू बेड असतील, त्यानंतर 300 ऑक्सिजन बेड असतील आणि सर्व ह्या नवी मुंबई शहरातले चांगले तज्ज्ञ डॉक्टर या ठिकाणी अपॉइंट केलेले आहेत। तुम्ही जर बघितलं असेल या ठिकाणी एक्झिबिशन सेंटर इथे जवळजवळ 1200 बेडचं या ठिकाणी ऑक्सिजन युनिट आहे आपल्याकडे, त्यानंतर आपल्याकडे आयसीयू इथे सुद्धा बेड्स आहेत जवळजवळ 100 आसपास ते आहेत आणि या ठिकाणी सर्व म्हणजे हे जी पेशंटची काळजी घेतली जाते त्यांना वेळेवर जेवण असेल, त्यांना औषधं असतील, रेमडेसिवीरची औषधं असतील, ऑक्सिजन प्लांट बरोबर चालू आहे की नाही हे दिवस रात्र आमचे अधिकारी आयुक्त असतील त्याचबरोबर आमचे सर्व अधिकारी असतील डॉक्टर्स मंडळी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता हे काम करतात। म्हणूनच हा कोविड या ठिकाणी या नवी मुंबईमध्ये आपण खऱ्या अर्थाने रोखू शकला तर मी या सर्व आमच्या अधिकाऱ्यांचं आयुक्तांचं सर्वांना धन्यवाद देतो। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।